हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री आज 1929 से लेकर के 1931 तक। आज हम 1929 से 1931 दो सालों का हिस्ट्री जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रहा है भारत का, उसको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले की वीडियोज नहीं देखी है, इसके पहले हमने अंग्रेजों के भारत में आगमन यानी कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1928 तक की पूरी हिस्ट्री आपको 3 वीडियो में अपलोड करवाई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, 1929 में होता क्या है, सेंट्रल बॉम्ब असेंबली केस होता है, यानी कि सत्याग्रह को जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाने के लिए भगत सिंह और सुखदेव बुटकेश्वर दत्त, ये इन सब लोगों ने मिलकर के जो वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें बम फेंक दिया, छोटा सा बम पड़ाका, जिससे कि केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जिससे धुआं काफी हुआ लेकिन किसी को हानि नहीं हुई। उन्होंने फेंका और उसके बाद बताया कि हमने फेंका है, वहां से नारे लगाने शुरू कर दिए, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस तरह के नारे लगाए और अपने जान की कुर्बानी दी। आप भगत सिंह की हिस्ट्री पढ़ेंगे आप रो देंगे। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त, इतनी एनर्जी भरी हुई थी इनके जीवन में, इतना तत्पर थे अपने देश को आजाद करवाने के लिए। भगत सिंह की आप कहानी सुनेंगे, भगत सिंह इतने तेज बच्चे थे कि वो पढ़ करके बहुत कुछ आगे कर सकते थे, कई सारी नौकरियां कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजों के कॉलेज में पढ़ाई नहीं की। भगत सिंह से जब उनकी माँ ने कहा कि शादी कर लो बेटा, तो उन्होंने वो उसी रात चिट्ठी लिख करके भाग आए घर छोड़ करके कि मेरे लिए मेरे देश की आज़ादी, मेरे देश ही मेरा दुल्हन है। तो इसलिए उन्होंने इतना सब कुछ किया हमारे लिए। और आज हम जब भी भगत सिंह का नाम लेते हैं तो भगत सिंह इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बावजूद, जब हम भगत सिंह को देखते हैं तो हिस्ट्री की किताबों में आप हिस्ट्री का मुतालबा करके देखिए, हिस्ट्री को उलट करके देखिए, वहाँ भगत सिंह को आज भी क्रांतिकारी का दर्जा नहीं मिला है, आज़ादी के लिए लड़ने वाले का दर्जा नहीं मिला, उन्हें आतंकवादी का दर्जा मिला। वो आप देखेंगे लिखा है भगत सिंह को आतंकवादी लिख दिया है। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि भगत सिंह को रिस्पेक्ट मिले, आप भगत सिंह को रिस्पेक्ट की नज़रों से देखें। उन्होंने असेंबली में ऐसा बम फेंका, ऐसा पटाखा फेंका जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने फेंका जिससे कि केवल धुआं निकला। तो भगत सिंह गेप ने स्लोगन दिया क्या, इनकलाब जिंदाबाद। वहां पहली बार भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त वेयर अरेस्टेड फ्रॉम द शॉट, उस जगह से भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त को तुरंत अरेस्ट किया गया। लेटर ऑन सम अदर वेयर आल्सो अरेस्टेड, और इसके बाद कुछ दूसरे भी अरेस्ट हुए। दे आल वेयर बुक्ड इन लाहौर कॉन्सिफ्रेंसी केस, और उन्हें लाहौर कॉन्सिफ्रेंसी केस जो था उसमें भी वो केस उनके ऊपर ठोक दिया गया। जीसी हिल्टन यंग वाज द जज ऑफ द केस, जीसी हिल्टन जो थे वो इस केस के जज थे। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वाज गॉट डेथ सेंटेंस इन दिस केस, और इस केस में भगत सिंह, राजगुरु और बुटकेश्वर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई। बुटकेश्वर दत्त गॉट काला पानी इम्प्लीमेंट फॉर लाइफ, और बुटकेश्वर दत्त को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और बुटकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा सुनाई गई। ऑन 23 मार्च 1931 ऑल थ्री वेयर हैंग इन लाहौर, और 23 मार्च 1931 को, यह दिन आपको याद रखना है, इस दिन इन तीनों को लाहौर में फांसी दे दिया गया। और इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है ये गाना गाते हुए, ये सॉन्ग, ये देशभक्ति इससे भरा हुआ गीत गाते हुए अपने जान की कुर्बानी दे दी। नोट, आगे क्या हम नोट कर सकते हैं इसमें, कि 27 फरवरी 1931 को आजाद सूट हिमसेल्फ एट अल्फर्ड पार्क इलाहाबाद इन ए पब्लिक कॉन्फ्रेंसेशन। 27 फरवरी 1931 में ही आजाद अल्फर्ड पार्क में खुद को गोली मार लेते हैं, जब चारों तरफ से वो अंग्रेजों से घिर जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं इन अंग्रेज गद्दारों की गोली से मरना नहीं चाहूंगा, मैं अपनी गोली से मर सकता हूं। उनके पास एक गोली थी, उन्होंने खुद को दाग लिया। खुदीराम बोस वाज यंगेस्ट मार्टियल रिवोल्टर 18 वर्ष वाज द हैंग, खुदीराम बोस सबसे छोटे ऐसे व्यक्ति थे जिनको लटकाया गया फांसी पर, उनकी उम्र उस समय 18 साल की थी। आप देख सकते हैं 18 साल तो आपकी भी उम्र होगी, 18 पार कर चुके होंगे बेसिकली आप, लेकिन 18 की उम्र में अपने देश के लिए जान देने का जज्बा था लोगों में।
तब जाकर के यह आजादी मिली है। हमें आजादी यूं ही नहीं मिली है, हमारी आजादी बड़ी कीमती है। इस आजादी को हमें संभाल करके रखना है, इस आजादी के लिए काम करते रहना है, अपने देश के लिए काम करते रहना है। ये काम आप कब करेंगे? जब आप अपना काम अच्छे से करेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोज देख रहे हैं, तो आप इससे कुछ सीखिए। यूं ही ना देखा कीजिए किसी की वीडियोस, फालतू की वीडियोस आप देखते रहते हैं तमाम सारी चीज़ें। तो आप अपना पूरा 100% लगाइए तो सही। तो खुदीराम बोस 18 साल का बच्चा फांसी पर चढ़ाया गया, इसको अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी 18 साल में लेने की मानसिक क्षमता देखिए उनकी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बताते हैं आपको। और जतिन दास, ये सबसे छोटे रिवोल्टर थे, आंदोलन करने वाले सबसे छोटे व्यक्ति थे, जिनकी उम्र थी 15 साल। 15 साल की उम्र में अपने देश के लिए आंदोलन कर रहे थे जतिन दास। जतिन दास को अरेस्ट कर लिया गया लाहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी केस में, और उन्हें जेल में रखा गया भगत सिंह के साथ, और उन्हें 23 दिन तक खाना नहीं दिया, 63 दिनों तक, 63 डेज विदाउट फूड, बिना भोजन के 63 दिन जेल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई। इतना सहने के बाद हमारे देश को आजादी मिली है दोस्तों। हमें इन शहीदों को याद रखना चाहिए। इन शहीदों से जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मुतालबा करेंगे पूरी तरह से हिस्ट्री का, आपका दिल रो पड़ेगा। मैं आपको हिस्ट्री पूरी तरह से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक एक पॉइंट को हम पढ़ाने चले जाएंगे हिस्ट्री तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हिस्ट्री की मैं आपको आगे क्लासेस पढ़ाऊंगा, जहां मैं आपको डिटेल में पूरी हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। अभी हम केवल एक पॉइंट्स कुछ देख रहे हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए अभी यही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। उस पर वीडियोज़ में आगे बनाता रहूंगा हिस्ट्री पर। एक एक देशभक्त की मैं आपको हिस्ट्री दूंगा, उनका इतिहास दूंगा, उनकी सोच दूंगा, जो सोच उन्हें इस मुकाम पर लेकर के आई, आज भी लोग उनको अमर के रूप में याद करते हैं। इसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनता कैसे है, मोहम्मद इकबाल का उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है। तो स्लोगन ऑफ इकबाल, इकबाल का स्लोगन जो था इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन, वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद इकबाल एक बहुत ही फेमस और एक मारूफ हस्ती थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सोच काफ़ी बड़ी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट गिवन बाई मोहम्मद इकबाल, ने सेपरेट मुस्लिम बनाने का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही पास किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना लिखने वाले, ये सॉन्ग लिखने वाले भी मोहम्मद इकबाल थे। द टर्म ऑफ पाकिस्तान वॉज गिवन बाई चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान बनाने का टर्म दिया गया। और 1940 में लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑफिशियली डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज मेड बाई मोहम्मद अली जिन्ना। और 1940 के लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में ऑफिशियली डिमांड किया गया कि हमें पाकिस्तान चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इन दिस सेशन ही गेव बाई नेशन थ्योरी, इस सेशन में उन्होंने अपने देश की थ्योरी दी कि हमारा देश कैसा होगा, किस तरह से हम पाकिस्तान बनाएंगे। फुल फॉर्म अगर पाकिस्तान के देख लिया जाए तो पी मीन्स पंजाब, ए मीन्स अफगानिस्तान यानी कि इससे बॉर्डर से लगता हुआ, के मीन्स कश्मीर, यस मीन्स सिंध, और तान मीन्स बलूचिस्तान। तो इन सबसे मिलता हुआ हमारा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इससे बनता है। इसके बाद 1929 में ही लाहौर सेशन होता है कांग्रेस का, जब ये सब ऑफिशियली डिमांड कर लिया गया दोस्तों, सॉरी हवा के चलते उलट गया पन्ना। तो 1929 में लाहौर सेशन का ऑफ कांग्रेस लगाया गया। दिस सेशन वाज प्रोसीडेड बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये सेशन प्रोसीड किया गया। इन दिस सेशन डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेज बाय द फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन में पहली बार पूर्णतः स्वतंत्रता का दावा, पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया पहली बार। वी सेलिब्रेट आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे एट द बैंक ऑफ राबी रिवर इन लाहौर ऑन 26 जनवरी 1930। और 26 जनवरी 1930 को हमने पहला अपना स्वतंत्रता दिवस राबी नदी के किनारे मनाया कि आज से हम स्वतंत्र हैं, आज से हम अंग्रेजों का कोई भी चीज मानने वाले नहीं हैं, हम अंग्रेजों का शासन मानने वाले नहीं हैं, आज से हम अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। पंडित नेहरू होस्टेड आवर नेशनल फ्लैग, पंडित नेहरू ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराया। एंड वी टुक ऑन ओथ टू सेलिब्रेट दिस डे एट एवरी ईयर, हमने शपथ लिया कि हम इस दिन को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे। और इसीलिए दोस्तों 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। और उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही पूरा हो गया था। फिर भी 2 महीने तक, 19 नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने लगभग रखा गया इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों?
ताकि 26 जनवरी 1950 को जब हम लागू करेंगे तो इससे ये दिन जो हम पहले मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी 1930 से, ये दिन हमें यादगार के रूप में याद आता रहेगा और इस दिन की महिमा कम नहीं होगी। इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस जो है 1950 को जो हुआ वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली। गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च अगेंस्ट साल्ट टैक्स, नमक पर टैक्स के खिलाफ गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। ऑन 12 मार्च 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम विथ 78 फॉलोअर्स गांधी स्टार्टेड एन ऑन फुट जर्नी। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 के गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ यात्रा शुरू की पैदल। आफ्टर 24 डेज आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी गांधी कवर्ड 241 मील डिस्टेंस और 24 दिनों के लंबे यात्रा के बाद गांधी ने 241 मील की लंबी दूरी तय की और गांधी रिचर्ड डांडी और गांधी डांडी पहुंच गए। गांधी वॉल्टेड साल्ट बाय मेकिंग साल्ट, और गांधी ने साल्ट का नमक का विरोध किया और नमक बनाया कि हम नमक खुद बना सकते हैं, इसके लिए हम अंग्रेजों को टैक्स नहीं देने वाले हैं। इट वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ गांधी इन इंडिया, और गांधी का यह पहला रेवोल्यूशन लॉ था, यानी कि जब गांधी ने अपने लॉ को, अपने अहिंसा के लॉ को रेवोल्यूट किया था कि आज से हम अंग्रेजों का कहा नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पर। एंड गांधी ऑफिशियली स्टार्टेड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट फ्रॉम दांडी, और गांधी ने यहां से दांडी से सिविल लोगों के साथ डिसओबीडिएंट यानी कि अनाज्ञाकारी सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसको शुरू कर दिया। गांधी अपील्ड टू इंडियन यूथ टू डू नॉट पे एनी टाइप ऑफ टैक्स, और गांधी ने इंडियन लोगों से, इंडियन यूथ से ये डिमांड किया, ये कहा, अपील किया कि आप कोई भी टैक्स अंग्रेजों का ना दें, अंग्रेजों को पूरी तरह से अपने देश से निकालना है, इनको अपने देश में नहीं रखना है, इनको हम किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देंगे। गांधी ने पूरी तरह से, इससे पहले गांधी जो भी करते थे सब सत्याग्रह था, यहां गांधी ने सत्याग्रह नहीं किया, यहां कहा कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे टैक्स। और 1931 में जब गांधी ने इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी तो 1931 में गांधी इरविन का एग्रीमेंट हुआ, गांधी और इरविन का समझौता हुआ। यह समझौता क्या था मैं आपको बताता चलूं। इरविन ने गांधी से कहा कि आपकी जो भी समस्या है आप जाइए, लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, वहां पर आप जाइए, मिलिए लोगों से और वहां पर अपनी बात रखिए, वहां पर जब अगर आपकी बात मान ली जाती है तो वही सिस्टम आपके इंडिया में लागू किया जाएगा। तो गांधी इरविन का समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को दिल्ली में वाइसराय के हाउस पर, वाइसराय के घर पर गांधी और इरविन का समझौता हुआ। क्या हुआ? ए पैक्ट वाज डन वाइसराय इरविन एंड गांधी, गांधी और वाइसराय इरविन के बीच में एक पैक्ट, एक समझौता हुआ। बाय दिस पैक्ट गांधी वाज रेडी टू गो लंदन टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस, और इस समझौते के द्वारा गांधी लंदन जाने के लिए रेडी हो गए, किसलिए? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, वहां गांधी को जाने के लिए रेडी हो गए। और गांधी पोस्टपोन्ड हिज सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, और गांधी ने अपनी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी उसको रोक दिया। गांधी वेंट लंदन विद शिप राजपुताना, राजपुताना शिप के द्वारा गांधी जी लंदन पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, वाइसराय इरविन जो है वो इग्नोर करता है इनोग्रेट वाइसराय हाउस, दिस हाउस इज नोन टूडे एज द प्रेसिडेंट हाउस। वाइसराय इरविन ने ही बनवाया था जो वाइसराय हाउस, जो कि आज हमारा राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है, जिसमें 500 से भी ज्यादा कमरे हैं, इसको इरविन ने बनवाया था। याद रखने वाली क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्या हुआ, रॉलेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ, पहला 1930 में हुआ था जिसमें गांधी नहीं गए थे, दूसरा हुआ 1931 में जिसमें गांधी ने हिस्सा लिया, तीसरे में भी गांधी ने हिस्सा नहीं लिया, गांधी वहीं बीच कॉन्फ्रेंस छोड़ करके आ गए थे। हम आपको बताएंगे आगे क्यों। जगह थी लंदन, कि राजा थे जॉर्ज पंचम और पीएम थे उस समय रामसे मैकडोनाल्ड। गांधी पार्टिसिपेट इन ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस बायकॉट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस ने थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उससे बायकॉट कर लिया। क्यों किया उसको हम आगे बताते हैं आपको। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तीनों जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुए हैं लंदन में उन तीनों में अपना हिस्सा जताया था, अपना हिस्सा लिया था। ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश लीडर ऑफ अपोजिट, जो अपोजिशन का ब्रिटिश का लीडर था ब्रिटिश विंस्टन चर्चिल, उसने कालेट गांधी हाफ नेकेड बेगार, आधा नंगा फकीर गांधी को कहा, और इसको सुनने के बाद गांधी ने कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़ करके इंडिया वापस आ गए।
जिस कारण से गांधी ने फिर से तीसरे राउंड टेबल में हिस्सा नहीं लिया और गांधी ने कहा अब हम अंग्रेजों का बिल्कुल साथ नहीं देंगे और फिर से आकर के अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। फिर आगे क्या होता है इसको हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्यों क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, आपको वीडियो में बोर हो सकते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो मुस्कुराते रहिए, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोस मिलेगी जो कि आपको पूरी हिस्ट्री क्लियर करती रहेगी। आपको हिस्ट्री की किताब उठाने की जरूरत नहीं है, आप पूरी हिस्ट्री नोट बाय नोट मैंने नोट बना करके आपके लिए रखा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।